मोहब्बत अनवार है मौला, तेरी चौखट के जो आदाब है मैं उनसे खाली हूँ। नहीं जिसको सलीका मांगने का वो सवाली हूँ। जुबागर के नदामत दिल की नाकस तर्जुमानी पर खुदाया रहम मेरी इस जबाने बेजुबानी पर। ये आँखें खुश्क हैं यार, अब इन्हें रोना नहीं आता। सुलगते दाग हैं दिल में जिन्हें धोना नहीं आता। इलाही तेरी चौखट पर भिखारी बन के आया हूँ। सरापा फक्र हूँ इज्जो नदामत साथ लाया हूँ। सरापा फक्र हूँ इज्जो नदामत साथ लाया हूँ। Assalamu alaikum everyone, I hope you all are well. Alhamdulillah, it's a blessed day of Friday. और Friday के दिन एक quick reminder मैं देना चाह रही हूँ जुम्मे के दिन कसरत से दूध पाक पढ़ने के हवाले से। हदीस है, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुम्मे के दिन और जुम्मे की रात मुझ पर कसरत से दरूद पढ़ा करो। जिसने मुझ पर एक दफ़ा दरूद पढ़ा, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाएगा। और सुनन नसाई की हदीस है, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन अल्लाह ताला के कुछ मखसूस फरिश्ते ज़मीन में गश्त करते रहते हैं और मेरी उम्मत की तरफ से भेजा गया सलाम मुझ तक पहुंचाते हैं। और जामे तिर्मिज़ी की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बखील है वो जिसके हाँ मेरा तस्करा किया गया और उसने मुझ पर दरूद ना पढ़ा। तो ये था दुरूद पाक के हवाले से रिमाइंडर, और सूरह कहफ़ के हवाले से कि हर फ्राइडे को सूरह कहफ़ पढ़ना एक मसनून अमल है, तो इसकी भी रेसिटेशन करें। और एक मैं उम्रे के फजीलत के हवाले से एक हदीस आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। सही बुखारी की हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक उम्रे के बाद दूसरा उम्रा दरमियान के गुनाहों के लिए कफ़ारा है। और एक और हदीस है जामे तिर्मिज़ी की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज उम्रा बार बार किया करो, क्योंकि ये दोनों फ़कीरी और गुनाह को ऐसे ख़त्म कर देते हैं जैसा कि भट्टी की आग सोने चांदी और लोहे की मैल को निकाल फेंकती है। और हज मबरूर का सिला सवाई जन्नत के और कुछ नहीं। कुरान में भी अल्लाह ताला हज और उम्रे का हुक्म देते हैं। सूरह बकरा आयत नंबर 196 अल्लाह ताला फरमाते हैं, और अल्लाह के लिए हज और उम्रे को पूरा करो। फिर इब्ने माजा की हदीस से हमें पता चलता है कि जो हज और उम्रा करने वाले होते हैं उनकी दुआएं अल्लाह ताला कबूल फरमाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गाजी फ़ी सबीलिल्लाह, हाजी और उम्रा अदा करने वाले अल्लाह ताला के मेहमान हैं। अल्लाह ताला ने इनको बुलाया और उन्होंने हुक्म की तामील की, फिर उन्होंने अल्लाह से मांगा और अल्लाह ने उनको अता फरमाया। सुभान अल्लाह। तो ये रिमाइंडर था हज और उम्रे के हवाले से, और फ्राइडे की जो सुन्ना है उसको फॉलो करना ना भूलिएगा। दैट वाज ऑल फॉर टुडे, आई विल सी यू विद अनदर रिमाइंडर। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम।